सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गवाहों के मुकरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से दो गवाह और मुकर चुके हैं। अब तक इस केस में अपने बयान से पलटने के बाद ऐसे गवाहों की संख्या अब 44 हो गई है। इस मामले में 62 गवाहों की गवाही हो चुकी है, जिसमें अभियोजन एजेंसी CBI के मुताबिक अब तक 44 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। सुनवाई के दौरान दो गवाहों ने कहा कि पुलिस ने उनके सामने कोई गोलियां बरामद नहीं की थी। इन दोनों के इस बयान के बाद इन गवाहों को हॉस्टलाइट घोषित कर दिया गया है। इस बीच IPS अधिकारी ई राधा कृष्णैया ने कोर्ट में कहा, 2005 में IPS अधिकारी राजकुमार पंडियन हैदराबाद में मेरे घर आए थे और मैंने उनके रहने का इंतजाम किया था। निकुंज दलवाड़ी और किरण पंचाल का बयान मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मियों से बरामद खाली कारतूस के लिए पंच गवाह के तौर पर दर्ज हुआ था। पंच गवाह ऐसे गवाह होते हैं जिसके सामने पुलिस वारदात स्थल से सामग्री सील करने जैसे छानबीन शुरू करती है। हालांकि अदालत में दोनों ने अपने बयानों का समर्थन नहीं किया और कहा कि पुलिस ने उनसे कोरा कागज पर दस्तखत करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।